हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नई उड़ान। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। आज हम बात करेंगे एक अर्जेंट नोटिस पर। नोटिस नहीं है ये, एक फैसला है, बहुत बड़ा फैसला जो आपके फ्यूचर का फैसला है, जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से ये वीडियो सुननी है और बिना स्किप किए देखना है। तो आप सभी को पता ही है कि नीट स्कैम बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रहा है, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स परेशान है कि रीनीट होगा या नहीं होगा, सबको जस्टिस मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पता है सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर आज क्या CBI रिपोर्ट रही है और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा है। तो आपको क्या करना है, इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले चीज़ तो ये मैं बता देती हूँ कि आपको बड़ी बड़ी वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इन शॉर्ट में बताऊँगी आपको, मैं ये लिख के लाई हूँ यहाँ पर कि आपको क्या क्या चीज़, आपके क्या क्या फैसले किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आपको क्या करना है। वैसे आपको सबसे पहले मेरी तरफ से एडवाइस ये है कि किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर स्कैम के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप अपना रिवाइज कीजिए। जितने भी नीट एस्पिरेंट है सबको ही जस्टिस चाहिए। कोई चाहता है कि रीनीट हो और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि रीनीट हो। तो ये फैसला आपको सुनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले, आपको सब पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, कंडक्ट कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो मेरी तरफ से एडवाइस है कि आप टाइम वेस्ट ना करें। इन शॉर्ट में आपको हर चीज़ पता चल जाएगी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2-3 मिनट लूँगी आपका, जो आपको पता चल जाएगा कि आखिर आज CBI रिपोर्ट में क्या कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है आपका ये, CBI सबमिट रिपोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट इन नीट पेपर लीक प्रो। तो जितने भी आपके रिपोर्ट्स थी, ठीक है, एफिडेविट थे, जितने भी पेपर लीक किए गए, कहाँ कहाँ किस किस सेंटर पे किए गए, सारे एफिडेविट, सारी प्रोब जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो चुकी है। तो CBI ने सब कुछ सबमिट कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग क्या फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इसके बाद ये कहा गया इसमें कि से लीक कन्फर्म टू सिंगल एग्जाम सेंटर इन बिहार। तो इसमें ये कन्फर्मेशन दे दी गई है कि आपका जो पेपर लीक हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के सेंटर पे हुआ है, बाकी कहीं भी किसी भी जगह पेपर लीक नहीं किया गया, मास ऑफ द पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटर पर लीक करा गया है आपका पेपर। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कन्फर्मेशन में आ रही हैं। नेक्स्ट है आपका मेंशन लीक पेपर वाज नॉट सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया। और जो भी जितने भी ये सारी चीज़ें वीडियोस बनाई जा रही थी कि सोशल मीडिया पे, व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे, यहाँ यहाँ पर पेपर लीक किया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे ये भी कन्फर्मेशन आ चुकी है कि आपका सिर्फ और कोई भी पेपर लीक किसी भी सोशल मीडिया का यूज़ नहीं किया गया। तो यहाँ पे पेपर लीक आपका सोशल मीडिया कोई इंक्लूडेड नहीं है। ये 3 पॉइंट्स आज आपके कन्फर्म किए गए हैं, इसके लिए स्टूडेंट 2-2, 3-3 घंटे अपना वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं करना, यहाँ पे फैसला अभी भी किया जा रहा है और फिर अभी भी 18 जुलाई तक टाइम दे दिया गया है कि अभी भी कंफर्मेशन ये नहीं आया कि आपका रीनीट होगा या नहीं होगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैं बता चुकी हूँ यहाँ पर, और भी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको हर चीज पता चल जाएगी। तो यहाँ पर टंग स्लिप हो गई मेरी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पेपर लीक को लेकर आपको बिल्कुल भी यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने पेपर लीक के अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम दिए हैं उनको पता ही होगा, और जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करके आ रहा है अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, उन्हें भी पता है कि उन्होंने अपना एग्ज़ाम कैसे दिया है, किस तरीके से पढ़ाई करके दिया है। तो जो भी होगा फैसला वो आपको पता चल जाएगा, और आप जो है अपना टाइम वेस्ट ना करें कहीं पर सोशल मीडिया पर, किसी भी YouTube चैनल पर, कहीं भी अपने दोस्त। 3 घंटे आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, तो उसको आप बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आप रिवीजन करिए, पेपर होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, आपका बस रिवीजन चलता रहेगा। तो यहाँ पे और भी एक पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हो आप क्या है कि द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो आपका CBI इज़ लाइकली टू मेंटेन इन द सुप्रीम कोर्ट में मेंटेन कर देगा कि नीट UG पेपर लीक जो है वो वाइड स्प्रेड नहीं किया गया, लोकलाइज वन एक ही जगह पर किया गया और आज ये बोला गया, ठीक है। तो ये थी छोटी सी बात जो आपको जाननी थी कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला किया गया है, ठीक है। बाकी जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट होगी वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पे और अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप हो फ्यूचर गुड, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।